और अयोध्या से सबसे पहले बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर ही अयोध्या से श्रद्धा का जन सैलाब उमड़ा है रामलला के, अब अनवरत होंगे दर्शन। इस वक्त की बड़ी खबर, सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक दर्शन होंगे, आरती और भोग के वक्त थोड़ी देर दर्शन नहीं होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर अयोध्या से, जहां पर श्रद्धा का जन सैलाब उमड़ा है, रामलला के अब अनवरत दर्शन होंगे, सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक दर्शन हो सकेंगे, आरती और भोग के वक्त थोड़ी देर दर्शन नहीं होंगे, बाकी सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक दर्शनों के लिए अयोध्या राम मंदिर खुला रहेगा। तो अब अनवरत दर्शन भक्तों के लिए ये बड़ा फैसला, पहले ही दिन 5 लाख से ज्यादा लोगों ने दर्शन किए हैं, भारी भीड़ अयोध्या में है, इसके चलते बड़ा फैसला लिया गया है, बस आरती और भोग के वक्त दर्शन नहीं होंगे, बाकी भक्तों के लिए ये मंदिर खुला रहेगा। तो राम लला के भक्तों के लिए बड़ी खबर अयोध्या से इस वक्त की ये बड़ी खबर, सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक दर्शन अब हो सकेंगे। तो रामलला के भक्तों के लिए इस वक्त की ये बड़ी खबर, अयोध्या में श्रद्धा का जन सैलाब उमड़ा है, उसको देखते हुए प्रशासन ने ये बड़ा फैसला लिया है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर में रामलला के बाल विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के दूसरे दिन श्रद्धा का जन सैलाब उमड़ा, और उसके बाद में ये अयोध्या के लिए बड़ा फैसला लिया गया है, श्रद्धालुओं को देखते हुए बड़ा फैसला। पहले ही दिन 5 लाख से ज्यादा लोगों ने दर्शन किए थे, और अब यह बड़ा फैसला प्रशासन की तरफ से ले लिया गया है, श्रद्धा का जन सैलाब उमड़ा है अयोध्या में, 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने प्रभु श्री राम के दर्शन किए, वहीं करीब आज भी 5 लाख से ज्यादा लोग अभी इंतजार में वहां पर जमे हुए हैं। श्रद्धालुओं के अपेक्षा से अधिक तादाद में पहुंचने से मंदिर प्रशासन और सुरक्षा बलों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में भी तिल रखने जितनी जगह भी नहीं बची है। कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे के बावजूद बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक जय श्री राम के नारे लगते हुए मंदिर परिसर की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालात को नियंत्रण करने के लिए प्रशासन ने अब बड़ा फैसला ले लिया है, सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ये दर्शन अब हो सकेंगे, और राम मंदिर में भीड़ को बेकाबू होता देख जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। लखनऊ से अयोध्या जाने वाली बसों पर रोकने की भी खबर सामने आ रही है कि अभी फिलहाल जितने लोग अंदर फंसे हुए हैं, अयोध्या में है, परिसर में है, उन लोगों को पहले दर्शन वो लोग कर पाए, वो लोग दर्शन कर सके, उसके बाद ही लोगों को आने की अनुमति दी जाए। सीमाएं सील कर दी गई है, और अयोध्या का प्रवेश द्वार बाराबंकी में पुलिस ने अयोध्या की ओर जाने वाली सभी वाहन मार्गों को परिवर्तित भी किया है।